चौराण खाप और पवार खाप सतगम सांगवान खाप चौराण खाप और पवार खाप सतगम वहाँ इकट्ठे होकर के जला दादरी में हमने ये प्रण कराया है कि हम जो भी ऑर्डर मिला है भाई सीएम का नहीं कहें भाई एक हफ्ते में खाली करो डीजीपी से मिलो। एक बार ऑर्डर मिलते ही साथ सब कोई तैयार है, पूरी खाप टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाएगी उसी टाइम। और मैं गांव रानी दास से 82 वर्ष की उम्र होती, मैं इसीलिए हार्ट अटैक होया हूँ कि हम मामूली सी एक बार खबर देंगे तो पूरी खाप की खाप यहाँ पहुँच जाएंगी और धरने को बिल्कुल भी नहीं उड़ देंगे, गलत धरना नहीं चली जाएगा। ठीक जहाँ भी हमारी खाप है वहीं उसी टाइम बेला कर देंगे। और मैं गांव रानी दास से चरखी दादरी जला। ठीक है जी, यदि सरकार की हठधर्मिता है कि 5 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं और सरकार को ये नहीं कि आप उठ के चले जाएंगे, लेकिन ये सरकार की भूल है, हम यहाँ से ये तीनों काले कानून वापस नहीं होगा जब तक हम यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे। हमारे वैसे कणक काटने का वक्त है अब, और हम एक दो दिन में ही कोई इशारा करेंगे तो हमारे सारे पूरा हरियाणा यहीं पर आ जाएगा। बाकी हम उठ के नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। मैं जी पंवार खाप गांव रानीला से हूँ और ये सरकार ने जो है केएमपी पर जो टोल जो है वो फिर टैक्स लेना शुरू कर दिया, उसके लिए 22 तारीख को लाखों किसान जो है यहाँ केएमपी के ऊपर इकट्ठे होना है और होंगे और टोल जो है बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और जवान बच्चों को बाद में पीछे रखेंगे, आगे हम होंगे, हम अपनी जान के लिए कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादा क्या बोलें, सरकार से हम झुकेंगे नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये ऑपरेशन जो कलीन था इसके लिए तो इन्हें बोला कि खाली करवाने का एक हफ्ते का टाइम दिया था, तो हमारे जो से किसान नेता चढ़ू ने भी बोल दिया था कि हम अपनी जान दे देंगे, ले हट नहीं सकते, पीछे कोई नहीं हटेगा, बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, किसी सूरत में खाली नहीं होगा, यहाँ से हम कभी भी नहीं उठेंगे। डिग्री बॉर्डर पर यहाँ ही बलकने जनानी और जाएंगे, नाथ पात हमारा निकल लिया है और फैसला हुए बिना में नहीं उठेंगे, कोई हालत से नहीं मानेंगे और ये फैसला लेके जाएंगे। से कभी दे जो आप और नहीं से माने मार जो बनाई में नहीं जाएंगे उठ के। पूरा हरियाणा पंजाब का किसान अगर सरकार ये चाहती है कि आज हमने मतलब संख्या दिखाओ, एक चुटकी के साथ दूसरा पूरा समाज उठ के आ जाएगा, पूरा हिंदुस्तान उठ के आ जाएगा, कोई उल्टा नहीं हटने वाला है। अब ये देख रहे हैं कि संख्या कम होगी, भाई काम का टाइम है, फसल की कटाई पर चल रही है, अनाज निकाल रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे भी लेडीज भी लड़कियां भी और जवान भी बूढ़े भी कोई बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ आगे खड़ा हो जाएगा। सांगवान खाप चौराण खाप और पवार खाप सतगम वहाँ इकट्ठे होकर के जला दादरी में हमने ये प्रण कराया है कि हम जो भी ऑर्डर मिला है भाई सीएम का नहीं कहें भाई एक हफ्ते में खाली करो डीजीपी से मिलो। एक बार ऑर्डर मिलते ही साथ सब कोई तैयार है, पूरी खाप टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाएगी उसी टाइम। और मैं गांव रानी दास से 82 वर्ष की उम्र होती, मैं इसीलिए हार्ट अटैक होया हूँ कि हम मामूली सी एक बार खबर देंगे तो पूरी खाप की खाप यहाँ पहुँच जाएंगी और धरने को बिल्कुल भी नहीं उड़ देंगे, गलत धरना नहीं चली जाएगा। ठीक जहाँ भी हमारी खाप है वहीं उसी टाइम बेला कर देंगे। और मैं गांव रानी दास से चरखी दादरी जला। ठीक है जी, यदि सरकार की हठधर्मिता है कि 5 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं और सरकार को ये नहीं कि आप उठ के चले जाएंगे, लेकिन ये सरकार की भूल है, हम यहाँ से ये तीनों काले कानून वापस नहीं होगा जब तक हम यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे। हमारे वैसे कणक काटने का
वक्त है अब, और हम एक दो दिन में ही कोई इशारा करेंगे तो हमारे सारे पूरा हरियाणा यहीं पे आ जाएगा। बाकी हम उठ के नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कड़े कानून वापस नहीं होंगे। मैं जी पंवार खाप गांव रानीला से हूँ, और ये सरकार ने जो है केएमपी पर जो टोल जो है वो फिर टैक्स लेना शुरू कर दिया, उसके लिए 22 तारीख को लाखों किसान जो है यहाँ केएमपी के ऊपर इकट्ठे होना है और होंगे, और टोल जो है बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, और जवान बच्चों को बाद में पीछे रखेंगे, आगे हम होंगे, हम अपनी जान के लिए कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादा क्या बोलें, सरकार से हम झुकेंगे नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये ऑपरेशन जो क्लीन था इसके लिए तो इन्हें बोला कि खाली करवाने का एक हफ्ते का टाइम दिया था, तो हमारे जो से किसान नेता चढ़ू ने भी बोल दिया था कि हम अपनी जान दे देंगे, ले हट नहीं सकते, पीछे कोई नहीं हटेगा, बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, किसी सूरत में खाली नहीं होगा, यहाँ से हम कभी भी नहीं उठेंगे, डिग्री बॉर्डर पर यहाँ ही बलकने जनानी और जाएंगे, ईब नाज पात हमारा निकल लिया है और फैसला हुए बिना में नहीं उठेंगे, कोई हालत से नहीं मानेंगे, और ये फैसला लेके जाएंगे, से कभी दे जो आप और नहीं से माने मार जो बनाई में नहीं जाएंगे उठ के। पूरा हरियाणा पंजाब का किसान, अगर सरकार ये चाहती है कि आज हमने मतलब संख्या दिखाओ एक चुटकी के साथ, दूसरा पूरा समाज उठ के आ जाएगा, पूरा हिंदुस्तान उठ के आ जाएगा, कोई उल्टा नहीं हटने वाला है। अब ये देख रहे हैं कि संख्या कम होगी, भाई काम का टाइम है, फसल की कटाई पर चल रही है, अनाज निकाल रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे भी, लेडीज भी, लड़कियां भी, और जवान भी, बूढ़े भी, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ आगे।